मैं चाहता हूं कि अब आप इस पर ध्यान दें कि ऐसा 3 महीनों में एक बार हो रहा है कि ऐसा 9 महीनों में एक बार हो रहा है। ये इतना अजीब है कि असल परिस्थितियां भी बिल्कुल उसी तरह से घटित होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने अनजान हैं, आप कितने डावाडोल हैं, उसी हिसाब से आप उन चक्रों में पड़ सकते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया आपको बता रही है कि आप इन चक्रों से दूर कैसे हो सकते हैं। समय समय पर एक ही तरह की चीजें होती रहती हैं, एक ही तरह के भाव, एक ही तरह की परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। जीवन में इन पैटर्न से कैसे बाहर आएं? तो ये अच्छी बात है कि कम से कम आपने ये नोटिस किया कि ये पैटर्न बार बार खुद को दोहरा रहा है। ज्यादातर लोग इसे देखते भी नहीं है। अलग अलग सीनरी में वो उन्हीं चक्रों को बार बार दोहराते हैं और उनको लगता है वो ठीक है। ये आपकी अच्छी बात है अगर आप कम से कम इसे नोटिस कर रहे हैं। सीनरी बदल सकती है, जीवन की सीनरी वैसे भी बदल जाएगी। पिछली बार जब आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई थी आप स्कूल में थे, अगली बार जब ऐसा हुआ तो आप कॉलेज में थे इसलिए नज़ारा अलग था, अगली बार जब ऐसा हुआ तो आप नौकरी में थे, अगली बार जब आपके साथ ऐसा हुआ आप शादीशुदा थे। लेकिन अगर आप अपने जीवन पर गौर करें तो वही चीज़ें होती जा रही हैं। मान लीजिए आप ईशा योगा सेंटर से कोयम्बतूर जा रहे हैं और आपने बाहर देखा कि समेडू आ गया है। आपको पता ना यहाँ समेडू है? नहीं, समेडू नहीं, इरुट्टुपलम, ये नाम अच्छा है। इरुट्टुपलम यानी एक अंधेरी खाई। तो आप कोयम्बतूर जा रहे थे, आप इरुट्टुपलम आए, आपने चारों ओर देखा और निकल गए। अब कोई खतरा नहीं है, उन्होंने पुल बना लिया है। एक समय था जब आपको वहाँ खतरनाक पानी के रास्ते से जाना पड़ता था और आप खुशी खुशी कोयम्बतूर की ओर गाड़ी चला रहे थे, फिर इरुट्टुपलम आ गया। अरे फिर से इरुट्टुपलम, कोई बात नहीं, किस्मत खराब है। आप फिर से गाड़ी चलाते रहे, कुछ देर बाद फिर से इरुट्टुपलम आ गया। अरे कुछ होगा, चलो इत्तेफाक है। फिर से इरुट्टुपलम आ गया। आपको पता होना चाहिए कि आप अंधेरे में हैं। अगर कोयम्बतूर के रास्ते में एक ही कस्बा 4 बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना? अगर आप इंसानी जीवन को सिर्फ एक शरीर की तरह देख रहे हैं, हाँ शरीर कहीं जा रहा है, हमें पता है ये कहाँ जा रहा है। आपको पता है आपका शरीर कहाँ जा रहा है? आपका शरीर कहाँ जा रहा है? शमशान को। चाहे पूर्णिमा हो या अमावस्या, चाहे रात हो या दिन, शरीर जा रहा है। देखिए ये 10 सेकंड शमशान के और करीब है, अब 20 सेकंड करीब है। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं आप शारीरिक रूप से शमशान के करीब जा रहे हैं, बस इतना ही तो हो रहा है। अगर आप यहां सिर्फ एक भौतिक इकाई की तरह मौजूद होंगे तो बस इतना ही तो हो रहा है। और अगर आप यहां सिर्फ एक भौतिक चीज के रूप में मौजूद हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन पहले खेल होगा, फिर ये सुख बन जाता है, उसके बाद और तमाम चीजें, फिर एक एक जोड़ दुखता है और तब ये डर जाता है क्योंकि ये खत्म होने जा रहा है। भौतिक जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। ये जानने के लिए आपको इससे होकर गुजरने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतनी बुद्धि है कि यहां बैठे बैठे आप इसे समझ जाएं। But our fortune is, we are not just physical, we have other dimensions to us. लेकिन हमारा सौभाग्य ये है कि हम सिर्फ भौतिक नहीं हैं, हमारे दूसरे आयाम भी हैं। अगर आपके मन की हालत की बात की जाए तो या तो ये अच्छी होती चली जाएगी या ये चक्रों में जा सकती है। अगर आपकी भावनात्मक हालत की बात करें, ये अच्छी होती चली जाएगी या ये चक्रों में जा सकती है। दूसरे आयामों के बारे में शायद अभी तक आप जागरूक ना हों, लेकिन वहां भी आप या तो चक्रों में जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं। अब जब आप कहते हैं कि मैंने नोटिस किया कि मेरा जीवन चक्रों में चलता जा रहा है, तो असल में आप अपने आसपास के हालातों के बारे में बोल रहे हैं और उससे भी ज्यादा आप खुद के मन और भावनाओं की हालत के बारे में बोल रहे हैं जो एक ही जैसे चक्रों से गुजर रही हैं। कुछ महिलाएं होंगी
आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, कुछ महिलाएं पुरुषों की तुलना में इस पर बेहतर गौर कर सकती हैं, क्योंकि उनका मानसिक और भावनात्मक चक्र छोटा होता है। हर महीने के खास समय पर कम से कम उनमें से कई मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं की एक खास स्थिति से गुजरती हैं, जो बार बार होती है, क्योंकि हर महीने ये चक्र दोहराता है। वो ये बात साफ जानती हैं कि ये इस वजह से हो रहा है। एक खास शारीरिक स्थिति के कारण ये खास मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा कर रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसे वे साफ साफ नोटिस कर सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आपको मासिक धर्म नहीं होता है। मैं दुर्भाग्य से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसी तीव्र याद दिलाने वाली चीज़ होती तो आप इसे मिस ना करते, क्योंकि आपके चक्र अलग तरह के होते हैं। आप उनसे अपनी आंखें मूंद सकते हैं। आप बिना इस चीज़ को नोटिस किए उसी तरह जीवन को जीते रह सकते हैं। महिलाएं धन्य हैं, क्योंकि वो इससे चूक नहीं सकती। वो इसे नोटिस कर सकती हैं कि उनके साथ ये हो रहा है। पुरुषों को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, उन्हें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वरना आप सोचेंगे कि आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन आप हर बार सिर्फ इरुटुपलम ही जा रहे होते हैं, ये सोचते सोचते कि आप कहीं जा रहे हैं। शारीरिक रूप से एक स्त्री के शरीर में एक मजबूत याद दिलाने वाली चीज़ है। महिला शरीर में ये जो मजबूत रिमाइंडर होता है, वो एक श्राप नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद है अगर आपको इसका उपयोग करना आता है। क्योंकि कोई भी बार बार बदलने वाली स्थिति, कोई भी डगमगाने वाली स्थिति एक संभावना है। इसमें बदलाव की संभावना होती है। जब एक तय प्रक्रिया है, तब आप चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। जब सिस्टम में समय समय पर अस्थिरता आती है, तब बदलाव की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पर खैर, अगर आप चक्रों से गुजर रहे हैं, तो इस सिस्टम में सब कुछ चक्रों में ही है ना? पृथ्वी चक्रों में जा रही है, चंद्रमा चक्रों में जा रहा है, सब कुछ चक्रीय है। अगर आप एक खास स्तर की जागरूकता, एक स्तर के दृढ़ संकल्प और कहीं जाने के इरादे के साथ खड़े नहीं होंगे, तो आप अपने आप एक चक्र का हिस्सा बन जाएंगे। यहां कई तरह के चक्र हो रहे हैं। सबसे बड़ा चक्र 144 साल का हो रहा है। 144 साल में एक बार सौर मंडल में कुछ चीजें होती हैं, जिसके लिए हमारे पास 140 साल में हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है। हम भाग्यशाली थे कि अपने जीवन काल में हमने ये देखा। अगला चक्र 12.5 साल का होता है, जिसे हम सब देखते हैं, और दूसरे बहुत छोटे हैं। तीन साल के चक्र होते हैं, 18 महीने, 16 महीने के चक्र होते हैं, और दूसरे प्रकार के चक्र होते हैं। ये सब चक्र हैं। आप कितने अनजान हैं, आप कितने डावाडोल हैं, आप कितने अनफोकस्ड हैं, इसके आधार पर आप उन चक्रों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, तब आप सबसे छोटे चक्र के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप थोड़े से फोकस्ड हैं, तो आप लंबे चक्रों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन हर कोई इन चक्रों के असर में है। इन चक्रों का मतलब एक बंधन हो सकता है, या इनका अर्थ पार जाना भी हो सकता है। यानी जीवन के एक चक्र से दूसरे में जाने की कोशिश में आप पार निकल जाते हैं, या आप उसी चक्र को दोहराते हैं। ये इस पर निर्भर है कि आप हैं कौन। जब इतने सारे लोग, ज्योतिष और अध्यात्म में फर्क बस इतना ही है, ये एक बदनाम विषय है, मैं इसे उठा रहा हूं। ज्योतिष आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चक्र आपको कैसे बांधते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया आपको बता रही है कि कैसे आप इन चक्रों से दूर हो सकते हैं। हम चक्रों से इनकार नहीं कर रहे हैं। चक्रों को नकारना मूर्खता होगी। चक्र हैं जरूर, लेकिन हम लोग वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कैसे आप इन चक्रों से दूर जा सकते हैं। अगर आप चक्रों के साथ जिए और चक्रों को लेकर जागरूक रहे, तो आपके जीवन में एक खास संतुलन होगा। सफलता का एक खास स्तर होगा, खुशहाली का एक खास स्तर होगा, समृद्धि का एक खास स्तर होगा। अगर आपने चक्र को तोड़ दिया, अगर आप लगातार खोज रहे हैं कि कैसे इस चक्र से मुक्त हुआ जाए, तो आप अपनी मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ खुशहाली की तलाश कर रहे हैं या मुक्ति की तलाश कर रहे हैं? सवाल बस ये है। उसी हिसाब से आपको जीना चाहिए। तो अभी अगर आपका जीवन चक्रों में जा रहा है, यानी दोहराव है,
यानी कि आप बार बार इरिटुपलम आ रहे हैं, तब आप समझते हैं कि आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये पैटर्न बदलने का समय है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें कि क्या ये हर महीने हो रहा है। मुझे यकीन है आपके लिए हर महीने नहीं है। क्या ये 3 महीने में एक बार हो रहा है? क्या ये 9 महीने में एक बार हो रहा है? क्या ये 16 से 18 महीने में एक बार हो रहा है? क्या ये 3 से 3.5 साल में एक बार हो रहा है? क्या ये 12 साल में एक बार हो रहा है? मैं चाहता हूं कि आप इसको नोटिस करें। अब आप हर तरह की चीज़ों की कल्पना करना मत शुरू कीजिएगा, लेकिन ये हो रहा है, आप समझे? ये बस होता जा रहा है। आप इसे नोटिस करें या नहीं, ये हो रहा है। ये सिर्फ आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के साथ ही नहीं हो रहा। अगर आप जागरूक हैं तो आपके आसपास की असल परिस्थितियां भी खुद को दोहराएंगी। ये इतना अजीब है, ये इतना अजीब है कि असल परिस्थितियां भी ठीक ऐसे ही घटित होती हैं। अगर ये हर 3 महीने में एक बार हो रहा है तो हम इसे 9 महीने तक बढ़ा सकते हैं। अगर ये 9 महीने में हो रहा है तो हम इसे 18 महीने तक बढ़ा सकते हैं। 18 महीने हम इसे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। हम इसे 12 साल तक ढकेल सकते हैं, या हम इसे 144 साल तक ढकेल सकते हैं। या सबसे बड़ी बात, इन चक्रों को चकमा देने की कोशिश करने के बजाय हम इन चक्रों की सवारी कर सकते हैं। मैं अपने चक्रों की सवारी करता आ रहा हूँ। हर बार जब ये आता है मेरी ज़िंदगी बदल जाती है, और ये अगले 4 से 6 महीनों में नाटकीय रूप से बदल जाएगी।